साजनाबाद की 5वीं-6वीं कक्षा की छत गिरने की घटना का निरीक्षण करे पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया कि क्या कारणवश रहा जिससे ये घटना सामने आई, जिस पर उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण छत में पानी भरना रहा होगा, जिसका कारण प्लास्टर में सरिया को छोड़ दिया और प्लास्टर गिर गया। क्या कारण वॉच टीजर और बच्चों को शरीर पर कुछ खरोंच आ गई, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और अब घर जा चुके हैं। और आगे पूछे गए कि क्या इस मामले में पहले भी शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, जिस पर उन्होंने बताया कि शिकायतें उनके संज्ञान में नहीं आई हैं। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि शिकायत कब हुई, कहां हुई और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा हम उस स्तर पर, उच्च स्तर पर उसका प्रस्ताव कार्रवाई करके भेजेंगे। नमस्कार। शाहजहानाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में जो घटना सामने देखी गई उसको लेकर हमारे साथ इस वक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या घटना रही। जी ये बताएं मैडम, किन वर्ष कारण वर्षों के कारण वर्ष इसमें जो मुझे सबसे प्रथम दृष्टा रीजन ये दिख रहा है कि छत पे कहीं पानी भरा रहा होगा, तो पानी भरने के कारण सीलन से और प्लास्टर ने सरिया को छोड़ दिया और प्लास्टर नीचे आके गिर गया। उस समय कक्षाएं लगी हुई थी लेकिन बच्चे दूर दूर थे, तो उसकी जो प्लास्टर टूटने के बाद जो छार थोड़ी सी गिरी तो बच्चों की खरों, एक दो बच्चों की खरोंच आ गई थी, टीचर के भी, तो वो स्वस्थ हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद वो घर जा चुके हैं। सर पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, उसके बाद मरम्मत नहीं, शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं आई है। उसके लिए मैंने एक जांच कमेटी गठित की है कि शिकायत कब हुई, कहां हुई, लापरवाही कहां हुई और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा हम उच्च स्तर पर उसका प्रस्ताव कार्रवाई के लिए भेजेंगे, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए पहला हमारा कर्तव्य है। तो हमने बात करी जिला शिक्षा अधिकारी से और हमने जाना कि किस प्रकार आगे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और किस प्रकार इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रिपोर्टर अमृता शर्मा, देखते रहिए फास्ट समाचार भोपाल।